मैं शहर के मुजफ्फर से पैदा हुआ था। मेरे बचपन बहुत दुखी था। मैं, मेरा बाप, मेरी माँ, हम तीनों कच्चे पक्के मकान में रहते थे। मैं अकेला था, न कोई बहन न कोई भाई। जिस जगह रहते थे ना, वहां रात रात भर कुत्ते भौंकते रहते थे और हमारे बिस्तरों पर चूहे कूदते रहते थे। मेरी समझ में नहीं आता था कि मेरे माँ बाप ने शादी क्यों की। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था, एक मशरकी कहता था दूसरा मगरिब की। मेरे बाप को सिवाय दिन भर सोने की या पान वाले की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट पीने और गप मारने के और कोई काम नहीं था। मेरी माँ काम करती थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी, मोहल्ले की सभी औरतें कहती थी। मैं हम दोनों के दरमियान फंस कर रह गया था। मेरा बड़ा दिल करता था कि वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, हम सब हंसते रहें बोलते रहें, लेकिन उन दोनों में से किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। मुझे अपने सारे दुख अपने पास रखने पड़ते थे। एक रोज जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी माँ चाहती थी कि मैं पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। मेरा बाप मुझे काम पर डालना चाहता था, मोहल्ले के हलवाई की दुकान पर, लेकिन मेरी माँ ने लड़ झगड़ कर मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया था। उस दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ राजू चचा के साथ बैठी हुई बातें कर रही है। राजू चचा मेरे बाप के रिश्तेदार थे, दूर दराज के, हमारे रहते थे। रहते क्या थे, सिर्फ रात को सोने के लिए आते थे, दिन भर पतंगे बना बनाकर बेचा करते थे। उस दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा मेरी माँ राजू चचा के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही। मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत छोटा था मैं उन दिनों, यही कोई 10-11 साल का। मैं चुपके से घर के अंदर गया, मैंने बस्ता और तख्ती एक तरफ रखी और उसके बाद बाहर निकल आया। बाहर आते मुझे कैद हो गई। उसने मैंने तय किया कि आइंदा से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो। किसी ऐसी जगह नहीं रहूंगा जिस जहां मेरा दिल ना लगता हो। लेकिन इतना अरसा गुजरने के बाद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, खासकर मुझ जैसे आदमी के लिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। हमेशा कोई ना कोई कसर रह जाती, हर शख्स आके निकल जाता है।